Hello guys, welcome back to my channel. देखो इसमें से yes. Hello guys, welcome back to my channel guys. आज हम करने वाले हैं शांतार्दू. Yes. Just talking and chilling with my friends. सबसे पहले मेरे को सारा माल लिया हूँ मैं, जिससे कि मैं आपके साथ बहुत बातें कर सकता हूँ. मेरे पास आज से कुछ टॉपिक वेट एडजस्टमेंट करने दो, मैं तब स्टोरी करता हूँ. ओके गाइस, एडजस्टमेंट खाली ये था तो मैं आपको सबकी स्टोरी बताऊंगा, इन सारी टॉयज की. तो आज का टाइटल है टॉय स्टोरी. यस गाइस, ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल. ओके, तो सबसे पहले किससे शुरू करूँ? इंगी पिंगी पोंगी फादर दे दोगे. ओके गाइस, मेरे पे लैंड हुआ है इसका, ये इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है. ये टॉय इस गौर से देखो, बड़ा कूल लग रहा है ये. एक्चुअली एक्शन फिगर आयरन मैन जी का, एंड बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. इसकी कहानी ये थी, इस बचपन में ना, ये सारे मेरे बचपन के टॉय थे. तो बचपन में एक बार मैं जा रहा था और मेरे नियर बाय शॉप में मुझे एक कार दिखी, और उस आयरन मैन कार थी वो तो घूम गई. उस आयरन मैन कार में ये बैठा था. मेरे को ना आयरन मैन कार अच्छी लगी ना कुछ, मुझे नियत आई इस पे. वो 2000 की थी, मैंने मम्मी का पीछे पड़ गया, मम्मी का इतने पीछे पड़ा. और तब मम्मी ने नहीं लिया. दो तीन देर बाद मैं आया, तब मम्मी ने बोला दैट अगर तेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो तेरे को पक्का दिलाऊंगी मैं. एंड मेरे अच्छे आए तो फिर मैंने ये लिया. गाइज, इसकी कार ही बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी कार मतलब बहुत अच्छी थी बहुत, बट मेरे को सबसे ज़्यादा नहीं है चश्मा था, तो आई डोंट लाइक. तो गाइज, ये थी हमारा फर्स्ट टॉय, इसको साइड में रख देते हैं. सेकेंड आता हूँ मैं. ओ गाइज, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है. गाइज, जो मेरी बड़ी मम्मा है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था जब मैं आई गेस 2 महीनों का होऊंगा, नहीं जब मैं पैदा होता, सॉरी. मेरी मम्मा ने बताया था दैट, और ये ऐसे करते हाँ मीजे तुम घर पे अकेला और मेरी फट रही है. ओके, तो ये बस एक्चुअली इसके अंदर है बेल टाइप्स को जो रिंग होती है, और बहुत क्यूट है, और पता नहीं कैसे समझ के रह गया. तो ये भी हो गया, दूसरा टॉय है. आ जाते हैं इस पे. यस, इसकी स्टोरी भी बहुत ही बकवास है. एक्चुअली मैं एक जगह घूमने गया था, वहाँ पे पापा ने मुझे कहा था दैट अगर मैं एक चीज़ करूँ वो पर्सनल है, तो फिर पापा मुझे वहाँ के एयरपोर्ट से कुछ दिला देंगे, कोई टॉय. और फिलहाल मैंने वो चीज़ करी, पापा बहुत खुश हुए. लेकिन एयरपोर्ट में वो टॉय स्टोर कोई मिला नहीं है सच, और हमारी फ्लाइट भी लेट हो रही थी. तो क्या हुआ, फिर मैं रो गया बहुत गंदे तरीके से. फिर बाद में आने के बाद मैंने अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करा, कुछ भी, लेकिन वो हो गया डिले, मतलब नहीं सॉरी, वो पता नहीं क्यों ऐसा हो गया दैट कैंसल योर प्रोडक्ट. कोई रिसीवर नहीं, जो सेंडर है उससे कोई गलती होगी और ये ख़राब हो गया. तो कुछ ऐसी कहानी थी. और फिर मेरे को मिला ये मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को लगा क्या है ये, मैंने ऑर्डर करा और ये ऐसा गाइस पूरा स्ट्रेच करेंगे और बाहर मेरे को जोड़ भी सकते हैं. गाइस, इस खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो आवाज़ थोड़ी कम लग रही होगी. अब नेक्स्ट आते हैं, इसको रख दूँ इधर. नेक्स्ट आते हैं, ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट टॉय जो कि है ये. यस गाइस, ये जोड़ नहीं रहा. गाइस, मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, आयरन मैन एंड बैटमैन मोस्टली मेरे टॉयज नहीं इसके. तो गाइस ये देखो, स्पाइडर आयरन क्या गाइस, ये देखो आयरन मैन का एक्शन फिगर. एंड आपको तो बताइए एक्शन फिगर के रेट, तो ये गेस करूँ, नहीं 1000, ये 1000 रुपीज़ का मिला था. और ये भी मैंने एक एयरपोर्ट से ख़रीदा था शायद, नहीं मैंने तो ख़रीदा नहीं था, मम्मा ने ख़रीदा था मेरे लिए. तो ये है 1000 का, इसकी कोई स्टोरी नहीं है, बस मैंने मम्मा को कहा था, वो कहीं घूमने गई थी हाँ OMG 2 देखने, और मेरे को भी जाना था, बट उसमें कुछ एडल्ट का था तो फिर मैं जा नहीं पाया. तो फिर मम्मा ने कहा था तेरे लिए टॉय ले आऊँगी, एंड ये बूम, इसको भी रख देते इधर. अब आ जाते हैं इस पे, ये तो मेरे को बहुत बहुत हेल्प करते हैं. गाइस ये था 800 या 700 का कुछ, और ये है एक एंटी स्ट्रेस टॉय. इसमें बहुत सारे बटन है, ये और ये मेरा फेवरेट है इनमें से जॉयस्टिक. बस जॉयस्टिक नहीं है तो मैं जॉयस्टिक के साथ खेलता हूँ. तो ये बस इसमें बहुत सारे बटन्स टाइप है दबाने के लिए,
जस्ट टू रिलैक्स द स्ट्रेस. तो मेरे को एज सच इसकी स्टोरी नहीं है, बस मैंने मम्मी को कहा था मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अमेजोन से, मुझे यूट्यूब पे मिला था, उसको भी रख देते हैं. इस पर आ जाते हैं. इसकी स्टोरी भी डिफरेंट थी एक्चुअली. इन इसकी और इसकी दोनों की स्टोरी सेम है. ये मुझे मिला था मैकडोनल्ड से, एक क्या कह रहा हूँ मैं, एक बहुत बड़ी सी मील थी, बहुत कूल सी. मेरे को मील भी अच्छी नहीं लगी, मेरे को नहीं आता इस पर. मैंने मम्मी को कहा मम्मा मील लो, तुम खाओ, किसी को भी दो, मेरे को बस ये चाहिए. तो मील तो क्या करा हमने, जितना मेरे को जितना मैं खा पाया खा लिया, जितना मम्मी खा पाई खा लिया, जितना दीदी खा पाई खा लिया, बाकी हमने डोनेट कर दिया. लेकिन वो उनको भी मेरे को बुरा लगा दैट बेचारे झूठा तो मतलब जैसे दो तीन बर्गर उसमें तो उनमें से एक खा लिए, दो खा लिए, तो फिर एक ऐसे मतलब डोनेट कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आया दैट कैसा लगेगा उनका झूठा. तो फिर कोई नहीं. तो फिर बाद में मेरे ये जो मिला ना, इसको बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट था. और इसके पीछे कुछ लगता भी था स्पाइडरमैन का वो जो वेब, वो भी घूम गया, तो इसको भी रख देते. ये एक्शन फिगर है और इसकी भी सेम कहानी सेम, लेकिन ये एक्चुअली मील के साथ नहीं मिला था, ये नॉर्मल एक मैकडोनल्ड्स के नॉर्मल जैसे खाते हैं उसके साथ मिला था. तो ये भी सेम. ये है कौन सा है, ये मेगाट्रॉन, नाइस. और आ जाते हैं इस पे. ये है बैटमैन, जिसके मैं पहले कह रहा था ना मुझे बैटमैन भी बहुत अच्छा लगता है. गाइस शायद मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, क्या है ये, ओ नहीं गाइस इसका निकला हुआ है ये पार्ट. सो ओके. तो गाइस ये भी है एक फ्लाइंग बैटमैन, बहुत कूल है ये. इसके लाइक एज इन ये ऐसा कुछ है एंड इसका हेलमेट पहना भी सकते हैं. वेट, यस वो पहना भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं. तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत कूल है. एंड ये इससे कम सस्ते में मिला, ये था कुछ 200-300 का, ये सस्ते में मिला था, शौक था. तो ये बस मतलब ये इसकी स्टोरी तो क्या थी. हाँ सेम शॉप जहाँ से मैं इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था वही शॉप से मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने मम्मी को बोला दे दो, मम्मी को लगा रीजनेबल है ले ली तू, और मैंने ले लिया. और ये भी गाइस ये भी इसकी सेम कहानी है, सेम कहानी, हाँ सेम कहानी है. और ये भी एक जो बैटमैन है ना उसकी ऐसे टाइप का बैटमैन, इसकी कलेक्शन थी बहुत सारी, तो उनमें से इसके एक और कलेक्शन है जो यहाँ पे है मेरे पास, अभी दिखाओ निरा. ये देखो ये भी है एक एक्वा बैटमैन, और ये एक्चुअली बस कुछ नहीं करता है, पानी में रह के आराम से तैरता है, फ्लोट करता है, पैसा बर्बाद. तो अभी है ये भी एक चीज़ है जो ये था बैटमैन का कलेक्शन एक और, आपको कह रहे सभी. ये देखो ये भी एक फ्लाइंग बैटमैन है, इसका भी मास्क बना सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और इसका बस इसको ऐसे एडजस्ट करके बंद करके तुम रख भी सकते हो ऐसे. और यहाँ पे एक शूट करने के लिए जिसकी एमो मैंने इस जिसकी एमो बहुत ज़ोर से एक जगह पे एम करके मारी थी, एंड वो तो जगह तो मतलब वो पेपर का मैंने कुछ बनाया था और वो टूट गया मतलब इसका ये जो एमो थी उतनी जोर की गई वो टूट गई पता नहीं कैसे. और ये इसका भी 200 कुछ ऐसी था, और इसकी भी सेम कहानी है. मैंने बोला ये भी दिला दो, तो मम्मी को लग रहा था सारे सेम बैटमैन है. मैंने कहा इतना बैटमैन का क्या करेगा तू, मैंने कहा कलेक्शन है ब्रो. तो अब आ जाते हैं सेकेंड लास्ट थिंग में, नहीं थर्ड लास्ट, जो कि नहीं पता नहीं. ये है थॉर, ये भी मैंने सेम शॉप से लिया था, और ये भी मुझे बॉक्स में था तो मुझे बॉक्स अच्छा लगा. मैंने कहा मम्मी बॉक्स अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं था ऐसे खोलना, बॉक्स को खोलो और देखो. मैंने कहा मम्मी बॉक्स अच्छा लग रहा है, अंदर का भी अच्छा होगा दे दो. मम्मी मानी नहीं, मैंने अपनी पॉकेट मनी से दी, और ये होगा 500 का, पता नहीं 500, यस मैंने अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपये जो मेरे को मेरे बर्थडे पे मिले थे पर्सनली, वो मैंने सारे स्पेंड कर दिए इस पे. और ये आज सच कुछ करता नहीं, बट ये भी एक्शन फिगर टाइप्स हो गया, इसको भी रख देते हैं. और आ जाते हैं इस पे. ये किचन है, ये मैं एक बर्थडे से आ रहा था तो वहाँ से मुझे मिली थी किचन, और इसका प्राइस तो शॉकिंग लेवल पे, गेस करो 600 रुपये. मैं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मैं शॉक्ड हूँ इसका. और है ये हमारी एक और चीज़ है, यस ये इसका नाम है
मेरे को गर्ल मत समझना, इसका नाम है फेरो। फेरो यहाँ पे इसका पट्टा ऑलरेडी है, उस पर लिख रखे फेरो FERRO। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉय है और इसको मैं लेके अपने साथ सोता हूँ। और इसकी इसका प्राइस तो भाई साहब 4000 रुपये, 4000 रुपीज इसका प्राइस है। लेकिन ये बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, बिल्कुल अच्छा लगता है। जब भी मैं लोनली फील करता हूँ मैं इसको लेके सोता हूँ, सोता मतलब अपनी गोद में इसे रखता हूँ। मैं बहुत किसी कर रहा हूँ उसको। और आ जाते हैं सेकंड लास्ट थिंग में, जो कि है टॉम एंड जेरी। इसकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, नहीं एक्चुअली सेम है, जो इसके तरह सेम है। क्या हुआ था, एक बार मैंने पापा को कहा था दैट पापा मुझे ना ये एक कोई सा भी दिखा दो टॉम एंड जेरी का, कुछ भी। मैंने पूरा अमेजोन चाट लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर मेरे को फाइनली कुशन मतलब पिल्लो मिला, जिसके मुझे बहुत नीड है। तो फिर मैंने ये बहुत अच्छा लगता है ये। ओके बाय। और ये है हमारी लास्ट थिंग, ये है स्टैम्पी। इसका भी यहाँ पे ये गाइस आप मी आर्कस जानते हो, माई आर्कस जो भी कहते हैं, वहाँ से मैंने ये तीनों चीज़ें ली है। ये नहीं, ये तो गाइस हामली से ली थी लेकिन वहाँ पे मिली नहीं, तो फिर अमेजोन बाबा। तो ये भी मी आर्कस से ली है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इसका स्टैम्प ही लिख रखा है। इसकी स्टोरी भी इसके तरह सेम थी, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैंने पापा को बोला पापा दिला दो मुझे एलिफेंट का, मेरे पास आज तक कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है। पापा पता नहीं कैसे मान गए, उन्होंने मुझे कहा ले ले बेटा ले ले मार मुझ, मैंने इसको ले लिया। तो गाइस ये थे मेरे सारे टॉयस कि अभी मैं रख रहा हूँ इधर उधर उधर इधर, पूरा फैला के मैं फैला के करूँ, पूरा संभाल के रख रहा हूँ मैं, जिससे कि कोई गुम ना हो जाए। और गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये सारे टॉयज हैं मैंने। और गाइस मेरे को ये टॉयज